Bismillahirrahmanirrahim. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu inna kathiran minal ahbari wal ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna 'an sabilillah walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim. Sadaqallahu mawlana al-'azim. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النفقة كلها في سبيل الله الا البناء فلا خير فيه. رواه الترمذي او كما قال عليه الصلاه والسلام. محترم بزرگو اور دوستو, मज़हब इस्लाम के अंदर माल का इकट्ठा करना और जमा करना ये मना नहीं है. जमहूर उलमा के नज़दीक माल का जमा करना, माल का इकट्ठा करना ये मुबाह है, जायज है. लेकिन शर्त यही है कि माल का जो हक है, माल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का जो हक है, उस हक को अदा किया जाए. लेकिन अगर माल को इकट्ठा किया गया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल का जो हक है, उस हक को अदा नहीं किया जा रहा है, यानी ज़कात नहीं दी जा रही है, तो ऐसे माल को अल्लाह तबारक व तआला ने कंज कहा है. और ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत के अदाब से डराया है. हजरत सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहु तआला अलैहिम अजमईन में से भी बड़े बड़े मालदार थे, माल को जमा करते थे. हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला, हजरत तलहा रजी अल्लाह तआला, इन हजरत सहाबा इकराम के पास माल था. और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला के बारे में आता है, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहिमहुल्लाह ने लिखा है कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास इस कदर माल था कि आपके इंतकाल के बाद आपके वरसा को इस कदर आपने सोना छोड़ा था कि कुल्हाड़ी से काट कर तकसीम किया गया. तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला ने इस कदर सोना छोड़ा था कि उनके वरसा को कुल्हाड़ी से काट कर तकसीम किया गया. तो माल का जमा करना इस्लाम के अंदर बुरा नहीं है. तो इन हजरात सहाबा इकराम के पास माल था, लेकिन कोई शख्स हजरात सहाबा इकराम में से किसी ने मालूम नहीं समझा, ऐब की चीज नहीं समझा. तो इस्लाम के अंदर माल का जमा करना जब भी अल्लाह का जो हक है, यानी उसकी जो ज़कात हो रही है, कुछ ज़कात को अदा कर रहा है, तो ऐसा माल इकट्ठा करना जमहूर उलमा कहते हैं मुबाह है, जायज है. लेकिन अगर माल को इकट्ठा कर रहा है, बैंक बैलेंस बना रहा है, लेकिन अल्लाह का जो हक है उस हक को अदा नहीं कर रहा है, ज़कात नहीं अदा कर रहा है, गरीबों की मदद नहीं कर रहा है, तो अब ये माल उसके लिए वबाले जान बनेगा. अल्लाह तबारक व तआला ने तौबा के अंदर जहन्नम के अज़ाब से ऐसे शख्स को डराया है, दर्दनाक अज़ाब की धमकी दी है. ये माल
जो दुनिया के अंदर इकट्ठा करके रखा है ये मान कर उसके लिए नुकसान का बारिश बन जाएगा, ये असगहा का काम करेगा। अल्लाह तबारक व तआला सूरह तौबा के अंदर फरमा देंगे, या अय्युहल लजीन आमनू इन कसीरन मिन अल अमाल वल रुमान والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. And also press this bell icon. فبشرهم بعذاب أليم. اللہ تبارک و تعالی فرماتا گئے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو ان کثیرا من الاحبار والرہبان کہ بہت سے احبار اور رہبان یعنی یہودی کے جانکار یہودی کو علماء کثیرا من الناس ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس कि वो लोगों के मालों को खाते हैं बिल बातिल बातिल तरीके से, यानी यहूदी के जो आलमा थे वो अपने अवाम से रिश्वत लिया करते थे, इसी तरह जो उनके किताब के अंदर जो अहकाम हुआ करते थे उसके अंदर गलत बयानी करते थे, वो सुद्दून अन सबीलिल्लाह और अल्लाह के रास्ते से रोकते थे यानी दीन से रोकते थे। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अलामतें उनकी किताबों के अंदर थी उन चीजों को छुपाते थे और ये कहा करते थे ये आखिरी नबी नहीं है, हालांकि अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी किताबों के अंदर तमाम तर निशानियों को बयान कर दिया था, लेकिन उनके उलमा इसलिए उनको दूर रखते थे कि अगर इनको सही बात बतला दी जाए तो उनकी सल्तनत जो थी उनकी जो हुकूमत थी वो चली जाएगी, लोग उनके पैरोकारी नहीं करेंगे, इसीलिए उनको सही बात से दीन से रोकते थे यानी इस दीन से यानी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी से रोकते थे। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वल्लज़ीन यकनिदून अज़्ज़ब वल्फित वला युनफिकूनहा फी सबीलिल्लाह और वो लोग जो सोने और चांदी को जमा करते थे वला युनफिकूनहा फी सबीलिल्लाह और अल्लाह तबारक व ताला के रास्ते में खर्च नहीं करते, तो इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसे लोगों को जो दुनिया के अंदर माल इकट्ठा करते हैं और माल के अंदर जो जकात वाजिब होती है जो जकात फर्ज होती है जो गरीबों का हक है यतीमों का हक है बेवाओं का हक है मिस्कीनों का हक है उस हक को अदा नहीं करते हैं तो उनके लिए क्या गए अल्लाह तबारक व ताला अपने महबूब पैगंबर की जबानी कुरान के अंदर कहलवा रहा है कि ऐ पैगंबर ऐसे लोगों से जो दुनिया के अंदर माल इकट्ठा करते हैं माल जमा करते हैं और ज़कात को अदा नहीं करते हैं ऐसे लोग से कह दीजिए बिआज़ाबिन अलीम ऐ पैगंबर ऐसे लोगों को खुशखबरी सुना दीजिए दर्दनाक अदाब की। अल्लाह तबारक व ताला ये कह रहा है कि दर्दनाक अदाब की खुशखबरी सुना दीजिए, हालांकि खुशखबरी तो सुनाई जाती है अच्छी चीज की लेकिन दर्दनाक अदाब तो ये एक बुरी चीज है, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा रहा है फबशिरुहुम बिअज़ाबिन अलीम कि उनको दर्दनाक अदाब की खुशखबरी सुना दीजिए, तो इसका मतलब यही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बतौर मजाक के बतौर जज्ब तौबीक के ये कहा गया कि इनको खुशखबरी सुना दीजिए कि दुनिया के अंदर इन्होंने अपने माल को इकट्ठा करके रखा और जो जकात वाजिब होती थी उस जकात को अदा नहीं किया, तो ऐसे लोगों को दर्दनाक अदाब की खुशखबरी सुना दीजिए अदाब क्या होगा। आगे अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं यौम युमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम वजुनूबुहुम वज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनस्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं यौम युमा अलैहा
कि जिस दिन तपाया जाएगा दुनिया के अंदर जिस माल को इसने इकट्ठा करके रखा था, यह समझता था ये माल इसको काम आएगा, हालांकि उसने उस माल के अंदर जो गरीबों का हक था, अल्लाह तबारक व ताला ने जो उस पर जकात फर्ज किया था उस जकात को अदा नहीं करता था, मिस्कीनों पर खर्च नहीं करता था, बेवाओं पर खर्च नहीं करता था, तो अल्लाह तबारक व ताला फरमाता गए जहन्नम। दुनिया के अंदर जिस माल को इसने जमा करके रखा था, इकट्ठा करके रखा था, उस माल को तपाया जाएगा। फतुकुआ बिना जिबाहुम, तपाने के बाद जहन्नम की आग के अंदर उस माल को तपाने के बाद क्या किया जाएगा? अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है फतुकुआ बिना जिबाहुम, उस माल को जहन्नम के अंदर आग के अंदर तपाने के बाद उसके पेशानी पर दाग दिया जाएगा। कि उसकी पेशानी पर दाग दिया जाएगा, इसी तरह उसके पहलू पर दाग दिया जाएगा और उसके पीठ पर दाग दिया जाएगा। फिर अल्लाह तबारक व ताला आगे फरमाता गए आगे इरशाद होगा कि यही वो माल है जिस माल को तुमने दुनिया के अंदर अपने लिए इकट्ठा करके जमा करके रखा था, और इस माल की जो जकात वाजिब हुआ करती थी, जो जकात फर्ज हुआ करती थी, जो गरीबों का हक था, मिस्कीनों का जो हक था, उस हक को अपने पास रखा था, और यही माल आज तुम्हारे लिए वबाल जान बन गया। हाज़ा मा कनस्तुम लिअन्फुसिकुम फज़ूकू मा कुन्तुम तकनिज़ून, पस चखो तुम फज़ूकू मा कुन्तुम तकनिज़ून, बस तुम चखो उस माल को जिसको तुमने जमा कर रखा था, कि जिस माल को तुमने इसलिए इकट्ठा कर रखा था दुनिया के अंदर कि ये माल हमारी जिंदगी के अंदर काम आएगा, गरीबों के हक को तुमने नहीं दिया, तो आज यही माल तुम्हारे लिए वबाल जान बन गया है, और इसी माल की वजह से तुमको आखिरत के अंदर अदाब दिया जा रहा है। तो इस आयत करीमा से हमें यह पता चला कि दुनिया के अंदर जो माल का जमा करना, माल का जमा करना तो इस्लाम के अंदर जायज है, लेकिन शर्त यही है कि माल को जो इकट्ठा किया जाए उसकी जकात अदा की जाए। अगर माल को इकट्ठा किया गया और माल को के जकात अदा नहीं कर रहा है, तो ऐसे माल को कंज कहा गया है, और ऐसे माल पर अल्लाह तबारक व ताला ने दर्दनाक अजाब से डराया गया। तो इस आयत करीमा से हमें पता चला कि माल को इकट्ठा करना जमहूर उलमा के नजदीक मुबाह है, इसकी इजाजत है, लेकिन शर्त यही है कि उस माल की जो जकात है, इसी तरह जो गरीबों का हक है, जो अल्लाह का हक है, उस हक को अदा किया जाए। इसी तरह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माल जो इंसान खर्च करता है, अपने घर वालों पर खर्च करता है, अपनी जरूरियात पर खर्च करता है, अपने घर दूसरे लोगों पर खर्च करता है, अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से अजर दिया जाता है, शर्त यही है कि उससे सवाब की उम्मीद लगाई जाए। अल्लाह के कुर्ब को हासिल करने के लिए अगर माल खर्च कर रहा है, अपने बीवी बच्चों पर खर्च कर रहा है, या अपने घर के दूसरे अफराद पर खर्च कर रहा है, तो उस माल पर भी अल्लाह तबारक व ताला अजर देता है, सवाब से नवाजता है। यह रिवायत तिर्मिजी शरीफ की रिवायत है, लेकिन एक इस रिवायत के अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मज़मून को बयान किया है। वअन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النفقة كلها في سبيل الله الا البناء فلا خير فيه। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तमाम नफा जो अल्लाह तबारक, तमाम नफा जो सवाब के लिए की उम्मीद से खर्च किया जाए, तो अल्लाह तबारक व ताला उस पर सवाब अता फरमाता है, यानी मियां बीवी बच्चों पर जो खर्च किया जा रहा है, या घर के दूसरे अफराद पर जो खर्च किया जा रहा है, उस पर अल्लाह तबारक व ताला सवाब उनसे नवाजेगा। शर्त यही है कि सवाब की नियत की जाए, इल्लल बिना, मगर अल्लाह के महबूब पैगंबर ने एक
खर्च को मुस्तस्ना किया गया। इल्लल बिना मगर तामीर पर खर्च करे, इल्लल बिना फला खैर फी मगर तामीर पर, इमारत बनाने पर, घर मकान के बनाने पर खर्च कर रहा है, इल्ला फला खैर फी तो उसके अंदर कोई भलाई नहीं है। तो इस रिवायत की तफसीर, इस रिवायत की शरह करते हुए मुहद्दिसीन ने यह बयान किया गया कि जरूरत के बकदर मकान को तामीर किया जा सकता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर मकान को तामीर किया जा रहा है या इसी तरह मकान की ज्यादा जेबो जीनत इख्तियार की जा रही है तो वो मकान उसके लिए आखिरत के अंदर वबाल जान बन जाएगा। एक सहाबी रसूल का वाकया है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हजरत सहाबा इकराम के साथ एक जगह तशरीफ फरमा थे, जब जा रहे थे तो सामने एक मकान, बुलंद मकान आपको नजर आया, तो अल्लाह के रसूल ने पूछा ये किसका मकान है, तो हजरत सहाबा इकराम ने अर्ज किया कि फला अंसारी सहाबी का ये मकान है। चुनांचे अल्लाह के रसूल खामोश रह गए और दिल के अंदर नाराजगी को रखता। फिर जब वो मकान मालिक जो अंसारी सहाबी का मकान था, बुलंद मकान जिन्होंने तामीर किया था, अल्लाह के महबूब पैगंबर के दरबार के अंदर हाजिर होते हैं और आपने सलाम किया, तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सलाम का जवाब तक नहीं दिया। उन्होंने बार बार सलाम किया लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी रसूल के सलाम का जवाब नहीं दिया, तो उनको एहसास हो गया कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे नाराज हैं। तो उन्होंने दूसरे हजरात सहाबा इकराम से पूछा कि आखिर क्या माजरा है, किस मुझसे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज से लगते गए, मैंने सलाम किया और मेरे सलाम का जवाब तक नहीं दिया। तो हजरत सहाबा इकराम ने अर्ज किया कि बात यह है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ आपके मकान की तरफ तशरीफ फरमा थे और हमसे पूछा यह किसका मकान है, आपके बुलंद मकान को, ऊंचे मकान को देखकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये किसका मकान है, तो हम लोगों ने अर्ज किया कि फला अंसारी सहाबी का, तो उनको एहसास हो गया कि अल्लाह के रसूल नाराज इस बात से हुए, मेरे बुलंद मकान को देखकर नाराज हुए, मेरे ऊंचे मकान को देखकर नाराज हुए। तो हजरत सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन की मोहब्बत भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत थी। इश्क का अगर कोई मिसाल दी जाती है तो हजरत सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन की दी जा सकती है। वो अंसारी सहाबी उसी जब उनको ये मालूम हुआ कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे नाराज इस बात की वजह से हुए हैं कि मैंने बुलंद इमारत तामीर कर रखा है, मैंने ऊंचा मकान तामीर कर रखा है, बुलंद मकान बनवा रखा है और आका इस बात से मुझसे नाराज हो गए। उसी वक्त उस अंसारी सहाबी उठे और आकर उस मकान को गिरा दिया और जमीन के बराबर कर दिया। उसके बाद चंद अरसे के बाद, कुछ रोज के बाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस मकान की तरफ गुजर होता गए और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सहाबा इकराम से पूछा कि इस मकान को क्या हुआ, तो हजरत सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन ने अर्ज किया कि उन मकान वालों को आपकी नाराजगी को की इत्तला दी गई तो उन्होंने इस मकान को गिरा दिया। तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया कि हर मकान मकान वाले के लिए वबाले जान गए मगर जरूरत के बकदर। तो इसी वजह से हजरत उलमा इकराम ने ये लिखा गए कि मकान जरूरत के बकदर मकान बनाना ये जायज गए, अगर जरूरत से जायद कोई मकान बना रहा है तो उसके लिए वबाले जान गए। और इसी तरह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मकान के खर्चे के अंदर कोई खैर नहीं है, तो इसके अंदर दुनियावी फक्र के लिए अगर कोई दुनियावी फक्र के लिए खर्च कर रहा है मकान पर तो उसके अंदर कोई भलाई नहीं, लेकिन इसके अंदर जो आखिरत के लिए जो चीजें तामीर की जाती है, मसलन मस्जिद गए या इसी तरह मदरसा गए, तो इसके अंदर यह चीज दाखिल नहीं, क्योंकि मस्जिद को या दूसरी चीज जो आखिरत के लिए तामीर की जाती है उस
उसको सवाब की नियत से तामीर किया जाता है। तो मकान को जरूरत से जायद मकान को तामीर करना ये अल्लाह के महबूब पैगंबर ने सख्त नापसंद फरमाया गए और इस कदर सख्त वईद फरमाई गए कि जरूरत से जायद जो मकान तामीर किया जाता है उस पर उसके लिए मकान के बनाने वाले के लिए वबाल जान गए। इसी तरह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसमें खर्च करने में कोई भलाई नहीं। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन वा आखिर दुआ।